हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टॉक मनी चैनल। इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एचडीएफसी ग्रुप की एक और बेहतरीन कंपनी जो कि लॉन्ग टर्म में आपको बड़ा रिटर्न बनाकर दे सकती है। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, डेट फ्री कंपनी है, डिविडेंड आपको बहुत ही शानदार देती है कंपनी और फ्यूचर में मल्टी बैगर रिटर्न बनाकर दे सकती है। इस तरीके का पोटेंशियल है। तो सबसे पहले इस कंपनी के रिजल्ट्स मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा और उसके बाद मैं आपको इस स्टॉक का नाम बताऊंगा और उसके बाद इस वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पता लगेगा कि इस कंपनी में किस तरीके से आपको पैसा लगाना है और अभी करंट प्राइस पर आप पैसा लगा सकते हो या नहीं लगा सकते हो, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इसके क्वार्टरली रिजल्ट से। तो क्वार्टरली रिजल्ट की जब हम बात करेंगे इसकी, तो मार्च क्वार्टर का भी हमारे पास रिजल्ट अवेलेबल है और जून क्वार्टर का भी अवेलेबल है। तो सेल्स देखिए आप, 476 करोड़ से 411 करोड़ का हुआ है। तो सेल्स यहां पर देखेंगे तो कम हुआ है और दिसंबर से अगर मार्च को कंपेयर करोगे तो आप बहुत ही कम हुआ है। और ये वाला टाइम क्या था आप सभी को पता है। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर आप बात करोगे, 372 करोड़ से 316 करोड़ का ज्यादा खराब नहीं रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करेंगे तो वहां पर भी खराब नहीं रहा है। अदर इनकम देखेंगे तो अच्छी खासी आई है, 80 करोड़ के आसपास। उसके बाद अगर आप इसका नेट प्रॉफिट देखेंगे तो 250 करोड़ से 302 करोड़ का है। तो पिछले क्वार्टर के कंपेयर में, यानी कि मार्च क्वार्टर से अगर कंपेयर करते हैं, तो अच्छा खासा इसका रिजल्ट रहा है, ज्यादा खराब नहीं रहा है। तो क्वार्टर वाइज तो अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन इस कंपनी के दिसंबर देखोगे, सेप्टेम्बर देखोगे और यहाँ देखोगे तो अच्छे खासे प्रॉफिट थे, उनके कंपेयर में थोड़ा कम प्रॉफिट है। तो ये हो गया हमारा क्वार्टर वाइज रिजल्ट। अब देखते हैं ईयर वाइज किस तरीके से ये कंपनी परफॉर्म कर रही है। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट ईयर वाइज हम देखते हैं, तो ईयर वाइज अगर आप देखेंगे तो आप देखिए 2016 से हमारे पास डाटा अवेलेबल है। तो आप वहां पर अगर पाएंगे कि सेल्स जो है 2016 में 1490 करोड़ के आसपास था, फिर देखें 1568 करोड़ का हुआ, यहां से बढ़ा 2017 में, फिर आप देखेंगे 2018 में भी बढ़ा सेल्स, 2019 में भी बढ़ा, 2020 में भी अगर आप देखेंगे पूरा 2019 से 2020 का ओवरऑल, तो भी आपको बढ़ा हुआ नजर आ रहा है। और ट्रेलिंग 12 मंथ यानी लास्ट 12 महीनों का अगर देखोगे तो 1910 करोड़ का है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की अगर आप बात करोगे, देखे 715 करोड़ था, फिर 792 हुआ, 1068 हुआ, 1366, 1693 और ये वाला किस लिए कम आया आपको पता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करेंगे, ज्यादा खराब नहीं रहा है। और नेट प्रॉफिट अगर हम इसका देखेंगे, 2016 में देखेंगे 478 करोड़ के आसपास इसका प्रॉफिट हुआ करता था। 2017 में देखो 500 करोड़ से ऊपर चला गया इसका नेट प्रॉफिट, फिर देखो 700 करोड़ से ऊपर गया, फिर देखो 900 करोड़ से ऊपर गया, उसके बाद देखो 1262 करोड़ हुआ और अभी लगभग देखें तो 1273 करोड़ है। तो यहाँ पर अगर नेट प्रॉफिट की बात करोगे तो ऑलमोस्ट आपको 12 महीनों में अगर देखोगे तो फ्लैट नजर आ रहा है, लेकिन 2019 से 2020 को कंपेयर करोगे तो अच्छा खासा इसका नेट प्रॉफिट हुआ है, अर्निंग पर शेयर भी बढ़ा है और डिविडेंड भी अच्छा ये कंपनी आपको प्रोवाइड करा रही है। तो ओवरऑल देखते हैं इस कंपनी में लगातार जिस तरीके का बिजनेस अच्छा ग्रो कर रही है। अब मैं आपको कंपनी का नाम बता देता हूं ताकि आपको आइडिया लगे किस कंपनी की हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले कंपनी का नाम देखते हैं। कंपनी का नाम है, मैं यहां पर हटा देता हूं एक बार, कंपनी का नाम है HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड। तो HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी वॉज अप्रूव टू एक्ट एज द एसेट मैनेजमेंट कंपनी फॉर HDFC म्यूचुअल फंड बाय सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया SEBI। तो ये दे रखा है, तो HDFC से रिलेटेड जितने भी म्यूचुअल फंड है उन सबको रेगुलेट करने का ये कंपनी काम करती है। और म्यूचुअल फंड का जो बिजनेस है फ्यूचर में और भी ज्यादा ग्रो होगा। चाहे कितने भी लोग बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट ज्यादा नहीं करना चाहिए, डायरेक्ट स्टॉक में लगाना चाहिए, लेकिन हमारे इंडिया में अगर आप देखोगे डायरेक्ट स्टॉक मार्केट में बहुत कम लोग पैसा लगाते हैं और बहुत अगर लगाते भी है तो बहुत कम लोग सक्सेसफुल हो पाते हैं। तो इनडायरेक्टली स्टॉक मार्केट में अगर पैसा लगाना है तो म्यूचुअल फंड बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। तो म्यूचुअल फंड में इसीलिए लोग ज़्यादा पैसा लगाते हैं। तो ये इंडस्ट्री जो है फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रो करने वाली है। तो ये कंपनी आपको अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। इसके कुछ फंडामेंटल्स पैरामीटर हम देख लेते हैं।
तो वहां पर अगर आप देखोगे इस कंपनी का, तो मार्केट कैप आप देखिए 49,000 करोड़ से ऊपर का है। उसके बाद करंट प्राइस देखोगे 2,346 का है। 52 वीक हाई की बात करें, आप देखिए कितना ऊपर तक ये स्टॉक गया था और उसके बाद कितना अच्छा खासा करेक्ट हुआ, 1962 की प्राइस तक आया और वहां से अभी 2,346 के आसपास चल रहा है। डिविडेंड यील्ड मैंने आपको पहले ही बता दिया, बहुत शानदार है। सेल्स ग्रोथ अगर 3 साल की बात करेंगे, वैसे स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुआ अभी इसको ज्यादा साल नहीं हुए हैं, लेकिन यहाँ पर 3 साल से बता रहा है तो ज्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, एटलीस्ट 10% की तो है। प्रमोटर होल्डिंग देखेंगे तो 73.95% का है। एक भी शेयर गिरवी नहीं, कोई कर्जा नहीं, क्योंकि म्यूचुअल फंड में आपको पता है पब्लिक का पैसा आता है और मैनेजर के पास जाता है, एक असेट मैनेजमेंट कंपनी जो जिस तरीके से आपकी HDFC है जाता है, और वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं जहां से रिटर्न जनरेट होता है और वो लोगों को दिया जाता है, और बीच में एक्सपेंस रेशियो जो होता है उससे उनका जो भी उनका मैनेजर है या फिर पूरा स्टाफ है उनका जो भी खर्चा निकालना होता है वो इससे निकलता है। ठीक है, तो ये आपको पता भी चल गया म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, और म्यूचुअल फंड का बहुत अच्छा स्टॉक है ये और अच्छी कंपनी ग्रो हो सकती है। डेप्ट मैंने आपको बता दिया, करंट रेशियो भी ठीक है, रिजर्व देखोगे 3,923 करोड़ का है, तो ओवरऑल इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब परफॉर्मेंस किस तरीके से रहा है वो भी देख लेते हैं। तो आप देखेंगे इस कंपनी का अगर 1 साल में अगर स्टॉक मार्केट के अकॉर्डिंग रिटर्न देखा जाए तो फ्लैट है, ज्यादा बड़ा रिटर्न नहीं दिया है, यानी कि आपको ये कंपनी आपको पी जरूर 39.22 का दिख रहा है, लेकिन इस कंपनी में आप प्रेजेंट लेवल पर भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इस तरीके का प्राइस अभी इस कंपनी का चल रहा है। अभी आगे हम चार्ट पर डिटेल से डिस्कस करेंगे किस तरीके से पैसा लगाना चाहिए इस कंपनी में। तो आपने ये रिटर्न देख लिया, लार्ज कैप की कंपनी है, पी आपने देख लिया, इंडस्ट्री पी से स्टॉक का पी जो ज्यादा है तो आपको शेयर थोड़ा महंगा लग रहा होगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न भी अगर इसका डिटेल से हम देखते हैं तो प्रमोटर की होल्डिंग देखोगे आप तो मार्च क्वार्टर से जून क्वार्टर में देखोगे तो माइनस हुआ है। देखो 79 से 73% है, जो कि प्रमोटर्स को जो है होल्डिंग करना कंपलसरी हो गया था, दैट्स वाई जो है ये होल्डिंग आपको कम दिख रही है। ठीक है ना, तो ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है। FIs की होल्डिंग देखोगे बड़ी है, म्यूचुअल फंड की भी अगर देखोगे तो 1.26% बड़ी है, अदर DIs की बड़ी है, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बड़ी है। म्यूचुअल फंड आप देख सकते हो 27 म्यूचुअल फंड ने भी इसमें पैसा लगा कर रखा है और 474 यानी कि 474 FIs ने पैसा लगा कर रखा है। प्रमोटर विद हाईएस्ट होल्डिंग है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि अगेन बहुत अच्छी कंपनी है, HDFC ग्रुप का ही स्टॉक है। तो आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न से भी ज्यादा डरने वाली बात नहीं है। ये डाटा देखकर आप ये मत सोचिएगा कि ये कंपनी डूब जाएगी, प्रमोटर ही बेच रहे हैं तो हम भी जो है अब इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करें, तो इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है इस कंपनी में। ठीक है, अब चार्ट पर चलते हैं हम। चार्ट पर मैंने वीकली चार्ट पर लगा रखा है क्योंकि मंथली चार्ट पर ज्यादा सही नहीं दिखाई दे रहा था चार्ट, और वीकली चार्ट के अकॉर्डिंग जो इसका बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है अभी वो है 2,356 का। ठीक है, तो यानी कि 2,350 रुपये का लेवल आप मान सकते हैं, ये आपके लिए बड़ा ही अच्छा लेवल है। इस लेवल को अगर तोड़ता है HDFC AMC तो आपको अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिल सकता है। अब 2,350 है और लो कितना लगाया था अभी मैंने आपको बताया 1962 का, यहाँ पर 1950 के आसपास आ रहा है, तो 1950 इसको मोटा मोटा आप 2,000 रुपये पकड़ सकते हैं, तो 300 से 350 रुपये का आपका रिस्क है। तो अब आप देख सकते हैं अगर वर्स्ट सिनेरियो भी आता है तो HDFC AMC ज्यादा से ज्यादा 2,000 रुपये तक जा सकता है। तो अब आप लोग क्या कर सकते हैं, अभी प्रेजेंट प्राइस पर इसमें अगर आप 60 से 80 रुपए के, आपको फिर मैं बता रहा हूँ, 60 से 80 रुपए के डिप पर अगर क्वांटिटी ऐड करते जाते हैं, सपोज आप अभी के प्राइस से भी एक एक शेयर की SIP करना स्टार्ट कर सकते हैं, और जब भी आपको SIP की क्वांटिटी कब बढ़ानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। 2100 से नीचे जैसे ही जाए, ये मैं बता रहा हूँ, ये लेवल आएगा या नहीं आएगा वो हम अभी नहीं बोल सकते, लेकिन हमें इसके लिए रेडी रहना है। तो 2100 से नीचे अगर जाता है तो आपको SIP की क्वांटिटी जो है बढ़ा देनी चाहिए। तो बहुत अच्छा रेंज चल रहा है, और जिसका इन्वेस्टमेंट करने के लिए अमाउंट ज्यादा है वो अभी भी आप लोग जो है
अच्छा खासा पैसा लगाना इसमें स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि यही स्टॉक जब आपका 3,000 रुपए के ऊपर जाएगा तो आप इसके पीछे पीछे भागोगे और बहुत बड़ा बड़ा पैसा लगाओगे। तो वही क्वालिटी कंपनी अभी आपको सस्ते प्राइस में मिल रही है, ये इसका बढ़िया रेंज है जो मैंने आपको बताया, 2,350 से 1,950 है, इसके बीच में जितना अच्छा बाय कर सकते हो उतना आपके लिए फायदा रहने वाला है। और अब मैं बताता हूँ आपको इसका आज के सेशन में डिलीवरी भी देखोगे ना तो 63.12% का डिलीवरी हुआ है, तो आप देख सकते हैं डिलीवरी भी अच्छी खासी होना इस कंपनी में स्टार्ट हो गया है। तो आपको भी अगर लॉन्ग टर्म का विजन है तो आप लोग भी इसमें पैसा इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर सकते हैं, फिर भी आपका पैसा है, फाइनल डिसीजन आपका है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिएगा उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। मेरे अकॉर्डिंग ये कंपनी आपको बहुत अच्छा रिटर्न बनाकर दे सकती है। तो आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।